तो कल के लिए स्टॉक्स जो है वो मैं एंड में प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा सबसे पहले आज का रिव्यू ले लेते हैं हमारी व्हाट्सएप टेलीग्राम और जो यूट्यूब पर हमने कॉल दी थी उन सब के मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मास्टेक से मास्टेक में हमारा देखिए हमने आपको दिया था तो बाय साइड का एक टारगेट प्राइज़ यहाँ पे अचीव इजीली हो गया था शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइज़ हमारे यहाँ जाके अचीव हो गए थे इसमें आपको अगर आपने ट्रेड करी होगी तो प्रॉफिट का हो गया होगा दल मिया भारत हमारा जो था वो गैप अप ओपन हो गया था गैप अप ओपन होने के कारण इसने अपना गैप रिफिल नहीं किया ग्यारह बजे के अंदर अंदर यहां तक इसको गैप रिफिल कर लेना चाहिए था पर इसने नहीं किया तो इस स्टॉक को हमने छोड़ दिया था वैसे इसने मूवमेंट तो अच्छी दी बट ये हमारी किसी काम की नहीं रही आर्थिक इंडस्ट्रीज में आज आज बिल्कुल मूवमेंट देखने को नहीं मिली अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता था क्योंकि ये जो स्टॉक था इसने मूवमेंट नहीं दी पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ उसके बाद इसने बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं दी अगला स्टॉक था हमारा वो था हमारा लिड इंडिया जिसे मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में ये दो स्टॉक्स मैंने प्रोवाइड किया था अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ दो मैं यूट्यूब पर देता हूँ लिंक इंडिया में देखिए सबसे सब पहले तो ये स्टॉक गैप ऑफ ओपन होता था गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने यहां जाकर अपना गैप रिफिल ईजिली कर लिया था जैसा मैंने अभी बताया दलमिया भारत में गैप रिफिल नहीं हो पा रहा बट इस स्टॉक में गैप रिफिल हो गया था गैप रिफिल होने के बाद इसने बाय साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव कर लिया था शॉर्ट सेलिंग साइड तो इसका जो लेवल था वो ब्रेक जरूर हुआ था बट इसने जो है एक

इंटरप्राइजेज अडानी इंटरप्राइजेज में देखिए पहले तो ये हल्का सा धीमा चला भले ही लेकिन आ, जो बीच में यानी कि एक बजे के टाइम पे इसने हमारे जो है तीनों टारगेट प्राइज अचीव करने के बाद भी कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे दिए थे अगला था हमारा अडानी ट्रांस यानी कि इसमें देखिए हुआ क्या कि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो गया तो दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे बट काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी कि सर ये तो पहली बार में टारगेट अचीव हो गया था तोनों टारगेट प्राइज कैसे अचीव हुए एट दी एंड आपने तो कहा था इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ मैं ये मैंने ये भी कहा है कि पहला का एक मिनट को छोड़ना पड़ेगा स्टॉक जो है फ्लक्चुएट होता है आप मोमेंट नहीं पकड़ पाएंगे तो पहले के एक मिनट आपको नहीं करनी है ट्रेड नौ बजे सोलह मिनट से आपको ट्रेड स्टार्ट करनी है तो पहले के एक मिनट में ये अप गया उसके बाद ये डाउन आया यहां तक इसने अपना शॉर्ट सेलिंग का टारगेट प्राइस अचीव किए यहाँ पे उसके बाद ये जब दोबारा ऊपर बढ़ा तो इसने क्या किया कि अपने बाय साइड का जो लेवल था यहाँ पे एक्टिवेट हुआ इसका साइड का लेवल यहाँ पे नहीं यहां पे सॉरी यहाँ पे ये यह एक्टिवेट हो गया था हल्का सा होल्ड लिया भले इसने होल्ड लेने के बाद जब इसने पूरा दिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी देखने को मिल गया था यानी कि तीनों टारगेट प्राइस इजीलिये अचीव हो गया था जस्ट डाइल मैं आज हालांकि मूवमेंट की थोड़ी कमी सी मुझे महसूस हुई स्टॉक जो था गैप ऑफ ओपन होने के बाद गैप रिफिल किया गैप रिफिल करने के बाद बाय साइड का एक टारगेट प्राइस हमारा इजीली अचीव कर लिया था और शॉर्ट सेलिंग साइड का भी हमारे एक ही टारगेट प्राइस अचीव कर पाया जो दूसरा टारगेट था हमारा वो रह गया था कुछ एक या दो पॉइंट से बाकी आखिरी जो स्टॉक था हमारा किरी इंडस्ट्रीज इसमें हमारा जो था आ, इसने गैप रिफिल किया और बाय साइड के तीनों टारगेट वाइज इजिली अचीव कर लिए थे शॉर्ट सेलिंग साइड का कोई भी लेवल इसमें एक्टिवेट नहीं हुआ था बाय साइड का टारगेट यहां जाके इसने अचीव कर लिया था अब बाय देखिए गैप रिफिल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ तो गैप रिफिल कैसे होगा स्टॉक अगर गैप ऑफ ओपन होगा तो देखिए सबसे पहले ये स्टॉक यहाँ पे गैप ऑफ ओपन हुआ गैप ऑफ ओपन के बाद इसने अपना गैप रिफिल किया यानी कि हमारी जो बाइंग प्राइस थी ये लाइन मान लीजिए हमारी बाइंग प्राइस है और ये जो दूसरी लाइन है ये हमारी है शॉर्ट सेलिंग प्राइस तो बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में देखिए इसने पांच मिनट का होल्ड ले लिया पाँच या दस मिनट का वैसे मैं बोलता हूँ सिर्फ एक मिनट का होल्ड काफ़ी है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में ज़्यादा बीच में नहीं ऐसा हो सकता है कि ये यहीं पर होल्ड ले ले बाइंग प्राइस के आसपास ही बहुत ही क्लोज होल्ड ले लें तो भी आप बाई कर सकते हैं ऐसा कुछ रूल नहीं है कि बाइंग प्राइस शॉर्ट सेलिंग के प्राइस के बीच में यानी कि पूरा यहाँ पर होल्ड लेगा ऐसा नहीं है बाइंग प्राइस के बिल्कुल करीब करीब भी होल्ड ले सकता है उसके बाद दोबारा जब लेवल बढ़े तो आप उसे बाय कर सकते हैं अगर स्टॉक जो है 11 बजे के अंदर अंदर अपना गैप रिफिल कर लेता है 800 से बड़ा स्टॉक और 800 से नीचे के स्टॉक में आपको वेट करना पड़ेगा खाली दस बजे तक 10 या साढ़े दस आप ले सकते हैं साढ़े दस अगर तक अगर गैप रिफिल हो जाता तो है तो ठीक है वरना आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे तो ये था कुछ परफॉर्मेंस हमारे व्हाट्सएप पर जो मैंने स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा बाकी की डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डे की कॉल की तरफ तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 19 फ़रवरी 2021 के स्टॉक्स के लिए सबसे पहला जो हमने आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है हमारा अम्बिको जिसे आप बाई करके चलेंगे 993.50 पे एक्सेक्ट 993 पे आपको बाय नहीं करना है मैं रोज़ ये रूल्स बताता हूँ रोज़ आपको ये फॉलो करने हैं टारगेट रहेगा नाइन नाइन्टी थाउजेंड और का

इस वैल्यू पे आने के बाद स्टॉक जो है होल्ड ले लेता है और जो है आप जो है स्टॉप लॉस मान के ट्रेड से बाहर आ जाते हैं बट वो स्टॉक जो है ऊपर बढ़ के आपके तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लेता है तो इस लेवल से जब नीचे जाने लगे वैल्यू यानी कि 892.50 पे आपने स्टॉप लॉस मान के ट्रेड से बाहर आएंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा नाइन यानी कि नाइन फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे टारगेट रहेगा नाइन सेवेंटी फाइव नाइन सिक्सटी एट और नाइन सिक्सटी का आखिरी टारगेट प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा नाइन नाइनटी का, का यानी कि नाइन नाइन पॉइंट फाइव जीरो पे अपना स्टॉप लॉस इट वन के ट्रेड से आएंगे एक बार ध्यान रखेगा पहला टारगेट प्राइस अचीव होते ही आपको जो अपना स्टॉप लॉस है उसे शिफ्ट करना है या तो आप देखिए बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस पर शिफ्ट कीजिए या फिर आप सीधा शिफ्ट कीजिए फर्स्ट टारगेट पर फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अगर आप शिफ्ट करते तो याद रखेगा अगर स्टॉक जो है दोबारा से नीचे आने लगेगा तो आपको जो है जो आपको प्रॉफिट पाए वो आपसे डिटेक्ट नहीं होगा और अगर आप शॉर्ट सेलिंग मतलब बाइंग या शॉर्ट सेलिंग प्राइस पर एग्जैक्ट रखते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप ट्रेड से बाहर आएंगे देखिए बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस में रखने का एक आपको एडवांटेज मिल सकता है कि स्टॉक जो है कभी कभार जो है अप डाउन करते समय जो है ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है और उसके बाद दोबारा से इतना ऊपर बढ़ जाता है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला होता है बट आपका जो है ट्रायल आपने जो स्टॉप लॉस किया था उसके कारण आप ट्रेड से बाहर होते हैं और आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता तो इस चीज़ के लिए ये बेस्ट है बट ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने अर्न किया है वो भी आपसे चला जाए कई बार ऐसा भी होता है फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है हर चीज़ के तो बेटर ये रहेगा कि आप फर्स्ट टारगेट प्राइस पर शिफ्ट करें ताकि जो आपने थोड़ा सा अमाउंट अर्न किया है वो आपसे जाए ना बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल ही जाएगा मैंने रिव्यू दे दे अगर आप चाहते फोर हंड्रेड टू स्टॉक पाना तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स मिनिमम मिल जाते हैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ज्वाइन जरूर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ आखिरी हमारा विन ऑर्गेनिक जैसे आप बाय करके चलेंगे फोर्टीन का लेवल ब्रेकआउट होती ही टारगेट रहेगा फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी का स्टॉप लॉस रहेगा फोर्टीन हंड्रेड मैंने जो आपको रूल्स बताए उनको फॉलो जरूर कर करिएगा शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा फोर्टी हंड्रेड फोर्टी टारगेट रहेगा फोर्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और फोर्टीन हंड्रेड टेन का स्टॉपलस रहेगा आपका फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव का ध्यान रखेगा इन सब चीज़ों का जो मैंने अभी आपको बताया है और अगर आपको गैप शो होता है आपको क्या करना है वो भी मैंने बताया अगर आपने स्किप करके देखी वीडियो तो पीछे जाके आप चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या रूल्स हैं बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ